इस्लाम के ना कुछ मकासद शरिया हैं। इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है। मकासद शरिया यानी इस्लाम की जो लेजिस्लेशन है, मकासद हैं, उनके कुछ उसूल हैं, कुछ वजूहात हैं। उनमें से एक ही है अकामतुल अदल, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस। बिकॉज हमें पता है कि देर इज़ नो प्रोग्रेस विदाउट पीस, देर इज़ नो पीस विदाउट जस्टिस, देर इज़ नो जस्टिस विदाउट इस्लाम, एंड दिस इज़ द यूनिवर्सल रूल। आप प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते हो पीस के बगैर। यू कैन नॉट अचीव पीस विदाउट जस्टिस इन लैंड, एंड देर इज़ नो जस्टिस विदाउट इस्लाम, एंड दैट इज़ द रीज़न इस्लाम जस्टिस पे कितना ही ज़्यादा फोकस करता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि तो हाँ भाई, आप जस्टिस के बारे में क्यों बात करते हैं, मैं तो कोई हुक्मरान तो नहीं हूँ, मैं कोई आर्मी चीफ तो नहीं हूँ। वो भी आपको सिर्फ 5-7 मिनट में समझ में आएगा कि वाई आई एम टॉकिंग अबाउट जस्टिस एंड ये आपकी पर्सनल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है और हम किस तरह के गुनाह में इन्वॉल्व है। में से अक्सरियत ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे वो गुनाह करती है। सो अकामतुल अदल, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस। और अल्लाह सुबहाना तआला ने भी जो अम्बिया को भेजा, उनकी एक रीज़न क्या थी? वलकद अरसलना रुसुलना बिलबैनाति वअनज़लना मअहू अलकिताब वलमीज़ान। अल्लाह ताला ने अम्बिया को बैनात, क्लियर साइंस के साथ भेजा और उनके साथ किताब नाजिल की, यानी हमारे लिए कुरान और तमाम बाकी किताबें, वलमीज़ान और जस्टिस को नाजिल किया। लियकूम अन्नासु बिलक़िस्त, ताकि अदल कायम किया जाए, लोगों में बराबरी की जाए, जुल्म ना किया जाए। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने अम्बिया की, वन ऑफ़ द रीजन्स ऑफ सेंडिंग देम वाज़ टू एस्टेब्लिश जस्टिस, और किताब के साथ अदल को नाजिल किया। और अल्लाह सुब्हान तआला अपने एहसान को बताते हुए सूरह रहमान में कहते हैं, आयत नंबर 7-9, वसमा रफ़अहा ववज़अ अलमीज़ान अल्ला तदख़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिलक़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान। कि अल्लाह ताला ने आसमान को उठाया और जस्टिस को, मीज़ान को कायम किया, अल्लाह तआला फिल मीज़ान, के नाप तोल में कमी नहीं करना, ऊंच नीच नहीं करना डीलिंग्स में। वो अकीमुल वज़न बिल क़िस्त, एस्टैब्लिश जस्टिस, अदल को कायम किया जाए और नाप तोल में कमी ना की जाए। बट मैं तो नाप तोल नहीं करता, मेरे लिए कैसे एप्लीकेबल है? आई बी टेलिंग यू विद इन अ मिनट इंशाल्लाह। एक और हदीस में आता है, इत्तकु ज़ुल्म, ज़ुल्म से बचना, फ़इन्न ज़ुल्मा ज़ुल्मातु यौमिल क़ियामा, कि जो जुल्म है ना वो क़्यामत के दिन में अंधेरे हैं। आप और मुझे पता है कि क़्यामत के दिन अंधेरा होगा। जिस इंसान के पास नेक आमाल है उसको तो रोशनी मिलेगी, और जिसके पास नेक आमाल नहीं है और जुल्म और ज़्यादती है, उसको उसके तो अंधेरे ही अंधेरे होंगे। कुरान में आता है, वानतुल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम, तमाम लोग अल्लाह के सामने सर उठा के खड़े होंगे। वक़द ख़्वाब मन हामला ज़ुल्मा, और वह तबाह बर्बाद हो गया जिसने जुल्म किया। तो आज के जो वेंसडे नाइट एक्सक्लूसिव सेशन में हम जिस जुल्म की बात कर रहे हैं, उसकी एक जो डायमेंशन है जिसके बारे में आज हम बात करते हैं, इट इज़ तदफीफ। तदफीफ, शायद ये वर्ड आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना हो, लेकिन आई एम श्योर कि आपने सूरह मुतफ़िफ़ीन का नाम ज़िंदगी में पहली दफ़ा नहीं सुना होगा। वैलु लिल मुतफ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अला नासि यस्तौफ़ून। सूरह मुतफ़िफ़ीन के जो में जो ये एक गुनाह है जिसमें तदफीफ़ के बारे में बात की गई है, वल्लाही अगर हर बंदा नहीं तो अक्सरियत इसमें इन्वॉल्व्ड है। और तदफीफ़ है क्या? कि टू टेक व्हाट इज़ नॉट योर्स इन अ सटल वे, इन अ डिस्क्रीट मैनर, पता ना चले लोगों को, ले लेना जो आपका नहीं है, या फिर उतना तो लेना जो आपका है, लेकिन जब आप दे रहे हो तो नॉट गिव वट इज़ ड्यू फ्रॉम यू। आपने अपना हक पूरा ले लिया, बट अपना जिसको देना था हक, उसको उसमें कमी कर दिया, दिस तस्वीर। और सुबहान अल्लाह, इस चीज़ की वजह से पिछली कौमों को तबाह कर दिया गया, और उम्मत मुस्लिमों में ये गुनाह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और अभी आपको पता चल जाएगा शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में, यानी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया शुएब को कि अपनी कौम को कहें, औफुल कैल वला तकूनू मिनल मुखसरीन, फुल मेजर दें और लॉस ना करें लोगों को, वज़नु बिलक़िस्तासिल मुस्तकीम, और स्केल्स में अपने ट्रू स्केल्स बनाएं, नाप तोल में कमी ना करें, यानी जब आप ले रहे हैं तो पूरा लें या दे रहे हैं तो पूरा दें, हक किसी का ना खाएं। वला तबखसू अन्नास अशियाहुम, और लोगों को जो डिप्राइव ना करें उनके ड्यूज से, यानी डोंट डिप्राइव देम, जो जिनका वो हक था उनके हक ना मारें।
वला तअथौ फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन, और ज़मीन फसाद ना करें। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने तदफीफ की, उन्होंने कमी की, अपना हक पूरा लिया, दूसरों का कम दिया। तो उन पे जब अज़ाब आया तो अल्लाहु अकबर, इतना तबाह कर देने वाला अज़ाब आया, अस्सैहा अर्रजफा यौमुज़्ज़ुल्लह, स्क्रीम, चीख और चिल्लाना, जलजला आया उन पे, और अंधेरों वाला दिन उन पे नाजिल हो गया। फ़ासबहु फ़ी दियारहिम जासिमीन, कि जब सुबह उठे तो लेटे हुए पड़े थे अपने घरों में, तबाह बर्बाद हो चुके थे, कोई नहीं बचा उनमें से। अल्लाह खुद कहते हैं इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीम, अल्लाहु अकबर, ये बहुत बड़े दिन का अज़ाब था। कि वो जिस तरह की हरकतें कर रहे थे उन पे ये अज़ाब भेजना ही था, एंड सी कितना ही बुरा उनसे ट्रीटमेंट किया गया। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट एंड द रेमिफिकेशन ऑफ दिस तदफीफ और नापतोल में कमी, कि उनको तीन तरह के अज़ाब दिए गए। इवन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे ना, तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं लम्मा क़दिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मदीना, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे, कानू मिन अखबथ नास कैला, वो मयूर में, यानी जब लेते थे तो पूरा लेते थे, देते तो पूरा नहीं देते थे, ठीक है, राइट, वो नाप तोल में, डीलिंग्स में सबसे बदतरीन लोगों में से थे, इंसानों में, कानू मिन अखबथ नास कैला, इंसान में सबसे बदतरीन थे। फ़अंज़लल्लाह सुभानहु व तआला वैलुल मुतफ़िफ़ीन فَأَحْسَنُوا كَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ, और फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने ये आयात नाजिल की, वैलुन लिलमुतफ़िफ़ीन, तबाह हो जाएं वो लोग जो तदफीफ़ करते हैं, दोज़ हु शॉर्ट चेंज अदर्स, दोज़ हु टिप द स्केल्स, فَأَحْسَنُوا كَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ, और उसके बाद वो काम बेहतरीन लोगों में से बन गए कि जो मेजर देते थे। सो मैं और आप ये क्यों बात कर रहे हैं, हमसे कैसे रिलेट करता है? मैं पर्सनली तो, हाँ भाई, मैं तो बिज़नेस नहीं करता, या मैं तो नाप तोल में करता नहीं हूँ, मैं तो, मेरा तो काम ही जॉब करता हूँ, मैं फलां सेक्ट, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो ट्रेनर हूँ, मैं तो, ये मुझे कैसे अप्लाई होता है? लेट मी टेल यू, हमें कैसे अप्लाई होता है। सूरह 83 में जो हम ये बात करें, लेट मी रिसाइट दिस सूरह फर्स्ट, वैल लिलमुतफ़िफ़ीन, अल्लाह सुब्हान कहते हैं वैल है, वैल जो है ना, ये वो वादी है जहन्नम की, जिसमें तमाम जहन्नमियों का जो पीप है वो बह रही होगी, एक ओपिनियन के मुताबिक अब्दुल्ला बिन अब्बास जो मुफसर कुरान है, यानी दिस इज़ द वर्स्ट ऑफ वादी। और वेल इसको भी कहते हैं तबाह हो गया वो शख्स, बर्बाद, ही इज़ ए लूज़र, ही इज़ ए पथेटिक लूज़र, लिल मुतफ़िफ़ीन, जो तदफीफ़ करते हैं, अल्लज़ीन इज़ा इक्तालू अला अन्नास यस्तौफ़ून, कि जब वो लोगों से लेते हैं तो पूरा लेते हैं, ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए। وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, اور جب وہ لوگوں کو دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کمی کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ, کیا وہ نہیں جانتے کیا کہ قیامت کے دن کل وہ کھڑے ہوں گے, لِيَوْمٍ عَظِيمٍ, بہت عظیم دن ہے وہ,